हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग होता क्या है। तो स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर का समूह होता है। स्ट्रिंग क्या है? तो स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर का समूह होता है। स्ट्रिंग ये वन डायमेंशनल अरे होता है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होगा, आपका कैरेक्टर होता है। और स्ट्रिंग का आखिरी कैरेक्टर जो होता है वो क्या होगा, नल होगा। और नल होता है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर पूरा स्ट्रिंग लिखना हो तो उसे डबल कोटेशन से लिखा जाता है। कैसे डबल कोटेशन से? मतलब ये आपका डबल कोटेशन का साइन है। जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको क्या, राम, तो राम में डबल कोटेशन, तो कैरेक्टर के समूह से बन रहा है आपका। ठीक है, तीन कैरेक्टर में क्या बना रहे हैं, स्ट्रिंग बना रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को कहाँ लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। अगर हमको सिंगल स्ट्रिंग लिखना है, मतलब कैरेक्टर के थ्रू लिखना है, तो हम जैसे उसको लिखेंगे तो सिंगल कोटेशन से लिखेंगे, जैसे ए। ठीक है, तो हमेशा स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में लिखा जाता है, कैरेक्टर को किसमें लिखा जाता है, आपका सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। स्ट्रिंग का डेटा टाइप क्या होता है, कैरेक्टर होता है। इस चीज को भी याद रखना है, स्ट्रिंग का डेटा टाइप क्या होता है, कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं आपको स्ट्रिंग का फॉर्मूला, स्ट्रिंग का फॉर्मूला मतलब आपका सिंटैक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले इसके डेटा टाइप को लिखते हैं, डेटा टाइप। फिर क्या लिखेंगे हम, स्ट्रिंग का नेम। ठीक है, नेम, किसका नेम, स्ट्रिंग का। और स्ट्रिंग का नेम लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, अरे अगर आपको देना है तो ठीक है, साइज नहीं देना है तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद हम उसके वैल्यू को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। ये क्या हो गया आपका, स्ट्रिंग का फॉर्मूला। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे, सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो सबसे पहले डेटा टाइप लिख दो कैरेक्टर। ठीक है, फिर स्ट्रिंग का नाम str1। ठीक है, फिर साइज दे दो, जैसे मैंने दिया साइज 6 इज इक्वल। ठीक है, ये आपका सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग, तो ये लिख दिया मैं h e, फिर l, फिर l और फिर o। ठीक है, ये हो गया। और लास्ट वाला क्या होता है, आपका नाम होता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, तो आपके सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। अब मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है, तो देखो कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 यहाँ पे दे दो साइज, और यहाँ पे दे दो हेलो। अब डबल कोटेशन लगा दो, क्या लिख दिया हमने, हेलो। ठीक है, देखते हैं, हेलो लिख दिए, क्या लगा दिया, डबल कोटेशन, ये तो ये हो जाएगा मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग। इसके बाद हम मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग यूजिंग अरे साइज, मतलब हम अरे साइज यूज नहीं करेंगे तब भी हम मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे कैरेक्टर स्ट्रिंग 3। यहाँ पे आप साइज मत दो, साइज नहीं होगी तो आप सीधा सीधा जो आपको लिखना है उसका कर दो, जैसे है। ठीक है, ये हो गया बिना साइज के। ठीक है, बिना अरे साइज के आपका मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग। अब इसमें हम देखते हैं इसके प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे स्ट्रिंग का। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाएंगे, कौन कौन सा हेडर फाइल लगाएंगे, तो एक लगाएंगे हम हैश इंक्लूड आईएसओ स्ट्रिंग .h। ठीक है, अगर आप जो है वो हैश इंक्लूड कोनियों भी कर सकते हो, लगा सकते हो कोनियो .h। ये हो गया हेडर फाइल। हेडर फाइल लिखने के बाद मेन फंक्शन इंटीजर में, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर देंगे, तो कैरेक्टर स्ट्रिंग 1, क्या लिखते हैं, कैरेक्टर स्ट्रिंग 1। अब अरे इसका साइज लिखती है 6 इज इक्वल, हम क्या लिख देंगे, ये h e एल, फिर एल, फिर क्या लिख देंगे। ठीक है, सिंगल कोटेशन लगा है, मतलब ये क्या है आपका कैरेक्टर, और अंतिम क्या होता है इसका, नल होता है, ये लिख दी। ठीक है, अब सेकेंड में जो फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग 2 साइज दे दो, साइज मीन 6, अब लिख दो आप हेलो, ये अपना 2। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, या डायरेक्ट थर्ड ऐसा लिखोगे तो ऐसा भी क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर स्ट्रिंग 3
साइज नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अरे का साइज नहीं दे रहे, तो अरे का साइज नहीं दोगे तो ऑटोमेटिक जितने कैरेक्टर यहाँ आप लिखोगे उतना कैरेक्टर वो क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पे हेलो, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, इसके साइज को सिक्स ही मानेगा, कितने कैरेक्टर है ये फाइव, लेकिन लास्ट क्या करता है वो जीरो नल लेता है, ठीक है, तो वो क्या मानेगा सिक्स ही मानेगा। आप जितना कैरेक्टर लोगे अगर साइज नहीं लोगे तो बाई डिफॉल्ट वो साइज क्या कर लेता है, जनरेट कर लेता है, ठीक। अब क्या करेंगे हम सी आउट, क्या क्या प्रिंट कराना है, जो चीज आप ठीक है उसी चीज को क्या करा दो प्रिंट करा, लिखो वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वन, और प्रिंट किसको कराना है आपको स्ट्रिंग वन को, ठीक है, नया लाइन में आपको चाहिए तो आप क्या लिखो एंड एल नया लाइन, ठीक है। उसके बाद एक और सी आउट लो, सी आउट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टू, फिर लिख दो आप स्ट्रिंग टू, फिर लिख दो आप एंड एल, ठीक है। नया लाइन के लिए हम क्या लिखते हैं एंड एल, मतलब हमारा आउटपुट जो है वो नया लाइन में क्या हो प्रिंट हो, फिर एक बार और प्रिंट कराना पड़ेगा, तो फिर हम क्या लिख देंगे सी आउट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग थ्री, ये लिख दिए, फिर यहाँ पे लिख दो जिसको प्रिंट कराना है स्ट्रिंग थ्री को, तो यहाँ पे लिख दिए थ्री, उसके बाद आप लिख दो, ठीक है। तीन बार क्या कर रहे हैं प्रिंट करा रहे, तो तीनों बार आप क्या कर दो उसको, देखिए हमारे यहाँ डबल कोटेशन लगा दो, बंद कर दो उसको, ये हो गया, और यहाँ पे तीनों में क्या लगेगा आपका सेमी कोलन लगेगा। उसके बाद देखो आप क्या लिए हो कोनियो लिए हो, कोनियो लिए हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गेट सी एच, ठीक है, और आपका मेन फंक्शन क्या है इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिटर्न जीरो, फिर क्या हो जाएगा क्लोज कर दो। अब इसको रन कराओगे, रन कराओगे तो आउटपुट कैसे आएगा आपका, आउटपुट कैसे आएगा, तो वैल्यू स्ट्रिंग वन, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग वन क्या हो जाएगा हेलो, हेलो एक साथ जोड़ के उसको क्या कर देगा प्रिंट कर देगा, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टू क्या हो जाएगा हेलो, और वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग थ्री क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका आउटपुट प्रिंट कर दे, ठीक है। मतलब आपके तीनों में तो है, तीनों में आपके क्या प्रिंट करा है, हेलो कर रहे हैं, आउटपुट क्या हो जाएगा हेलो,